हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ एकदम परफेक्ट होंगे गाइस। और जो आपकी तैयारी है ना, इसके लिए ESIC के लिए एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। आप हमारी टू डू लिस्ट को जरूर जरूर फॉलो करें, उसमें मैं यही करवा रहा हूँ, ESIC और सभी 2022 के एग्जाम्स है उसको फॉलो करें गाइस, ठीक है। अब देखो गाइस, ESIC UDC के लिए मैंने ये मॉक तैयार कराया। हमारा ये पहला मॉक है गाइस, इसमें मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर का सॉल्यूशन लिया है। जो 2019 में हमारा पेपर हुआ था ना, उसके मैंने क्वेश्चंस लिए। अब देखो गाइस, ESIC UDC के लिए आपके पास 4000 प्लस वैकेंसीज है। अब ये ओवरऑल है, जैसे स्टेनोग्राफर भी है, इसमें MTS भी है, बट अगर आप मान के चलो UDC के लिए हमारे पास कितनी वैकेंसी है, 1800 प्लस वैकेंसीज है, ठीक है। अब गाइस एक चीज और बता दो, आपके लिए गुड न्यूज है, एग्जाम डेट आ चुकी है गाइस इसके लिए। अब एग्जाम डेट क्या आई है, ये आई है आपके पास 15 मार्च 2022। तो मैं मान के चलो हमारे पास अप्रोक्स कितने दिन बचे, हमारे पास 60 दिन बचे हुए गाइस। 2 महीने बहुत होते हैं गाइस। देखो गाइस, रीजनिंग की गारंटी मेरी है, आप हमारे साथ जुड़िए, पूरा सॉल्यूशन करवाऊंगा। जैसे मैं अभी इसके इसमें जो आपका है ना 2019 के लिए पेपर आया था, उसका पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा। और आने वाले जितने भी क्लासेस में मॉक लूंगा मैं डेली, कोशिश करूंगा मैं डेली मॉक लेने की। और मैं क्या करूंगा, सिलेबस स्टार्ट करवा रहा हूँ इसके लिए, कल से या परसों से होगा जाए, कुछ कारणवश हमारा सिलेबस डिले हो चुका है, तो मैं कोशिश करूंगा कल या परसों से आपका रीजनिंग का पूरा सिलेबस कवरअप कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। देखो पहला जो हमारा क्वेश्चन आया ना, ये आया हमारा अल्फा न्यूमेरिक बेस्ड क्वेश्चन आया था। अब इसमें क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिक आपके सारे सिंबल होते हैं, डिजिट होते हैं और अल्फाबेट आपको दे रखे हैं, ठीक है। अब इसने पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि हाउ मैनी सिंबल्स इन द गिवन सीरीज। सबसे पहला काम क्या करना है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लूँ तो सबसे पहला काम मुझे इसे एक सिंबल लेना है, ठीक है जी। आर इमिडिएटली प्रिसीडेड बाय अ नंबर, मतलब उसके पीछे आपका क्या होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, ठीक है जी। बट नॉट इमिडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर, मतलब उसके आगे लेटर नहीं होना चाहिए, ये चीज मुझे करनी है। तो सबसे पहला टारगेट क्या कर रहा हूँ मैं, सिंबल ढूंढता हूँ। क्या ढूंढता हूँ, सिंबल। तो देखो, एक दो सिंबल, तीन चार पांच छ सात और आठ, ये मेरे सिंबल है। अब देखना उसके पीछे नंबर, तो इस सिंबल के पीछे नंबर है, ठीक है जी। इस सिंबल के पीछे नंबर है, ठीक है। इस सिंबल के पीछे नंबर नहीं है ना, तो ये गिना कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इस सिंबल के पीछे नंबर नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया। इस सिंबल के पीछे नंबर है, तो चलिए इस सिंबल के पीछे नंबर है, ठीक है जी। इस सिंबल के पीछे नंबर नहीं है, तो ये भी कैंसिल। इस सिंबल के पीछे आपका नंबर है, तो पहली कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होगी। बट दूसरी कंडीशन बोला उसके आगे अल्फाबेट नहीं होना चाहिए। तो देखो इसमें है क्या आगे अल्फाबेट, तो नहीं है, तो ये मेरा क्या होगा, एक पेयर बनेगा। इसके आगे मेरा क्या आ गया, एक लेटर आ गया, तो ये मेरा क्या हो गया, ऐसे कैंसिल हो गया। और इसके आगे मेरा क्या है, नंबर है, तो ये मेरा पेयर बन जाएगा। बट अगर आप ये सिंबल देखो, तो इसके आगे क्या आ रहा है, मेरा लेटर आ रहा है, तो ये मेरा कैंसिल हो जाएगा। इसके आगे मेरा क्या आ रहा है, लेटर आ रहा है, तो ये मेरा कैंसिल होगा। तो मेरे कितने पेयर बनेंगे, दो। एक ये वाला बनेगा पेयर सिंबल होगा ये, और एक मेरा क्या आंसर सिंबल होगा, ये वाला, जिसका आंसर क्या होगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी, ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर टू, इफ ऑल द इवन नंबर्स आर स्किप। सबसे पहला काम करना कि सारे नंबर इवन नंबर मुझे हटा देने। मैं क्या करता हूँ, इवन इवन नंबर को यहाँ से हटा देता हूँ, ये इवन नंबर हो गया कैंसिल, फिर आपका ये इवन नंबर कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद ये इवन नंबर कैंसिल हो गया, और ये मेरा टू भी क्या हो गया, मेरा कैंसिल हो गया, ठीक है जी। अब उसने क्या बोला कि फ्रॉम द सीरीज, हटा दिया सारे नंबर, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स दैट कम बिटवीन सेकंड वोवल फ्रॉम राइट हैंड। अब देखो जब भी आप अल्फा न्यूमेरिक, ये मेरा क्या होता है, लेफ्ट हैंड, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, क्या है मेरा, लेफ्ट हैंड है, और ये मेरा क्या है, ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है जी। इसने क्या बोला, सेकंड वोवल फ्रॉम राइट हैंड। तो देखो पहला वोवल ये, सेकंड वोवल आपका ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तो यहां से देखना मुझे, और राइट हैंड एंड डॉलर के बीच में, डॉलर का है मेरा ये रहा, इसके बीच में जो नंबर्स आ रहे हैं उनका प्रोडक्ट करना है। तो देखो नंबर आ रहा है आपका, एक तो सेवन, क्या आ रहा है, सेवन, तो एक ले लो मैं सेवन, ठीक है जी। उसका प्रोडक्ट करना है किसके साथ, ये नंबर, तो वन, उसके बाद प्रोडक्ट के साथ 30, ये हो जाएगा मेरा 3, इनका प्रोडक्ट करते हो तो आएगा मेरा आंसर 21, जो मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी, ये मेरे क्या हो जाएगा, ऐसे करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि ऑफ ऑल, इफ, इसने बोला है कि इफ ऑल द सिंबल्स आर स्किप, मतलब सारे सिंबल्स को हटा दो, ये सिंबल को मैं हटा देता हूँ, इसको हटा दिया सिंबल को, ये भी हटा दिया, यहाँ से डॉलर को भी हटा दिया, स्टार को भी हटा दिया,
मार्क को भी हटा दिया, इस लेस को भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया, और इस सिंबल को भी आपको हटा दिया। तो सारे सिंबल मैंने यहां से हटा दिए। अब उसने क्या बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी फिफ्थ टू द राइट ऑफ द हाइएस्ट नंबर ऑफ द सीरीज, मतलब इसमें हाइएस्ट नंबर आपको ढूंढना है। तो हाइएस्ट देखो आपको दिख रहा होगा, ये मेरा है 9, क्या है कि 9 मेरा हाइएस्ट नंबर है। अब इसके फिफ्थ राइट में नंबर देखना है आपको, फिफ्थ राइट में कौन सा आपका एलिमेंट होता है। देखो 1, 2, 3, 4 और 5, तो मेरा आंसर क्या होगा, डब्ल्यू। डब्ल्यू मिल रहा है मुझे ऑप्शन नंबर बी में, तो यहां से मेरे 3 नंबर कंफर्म होगा। इस देखो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं आपके, टोटल क्वेश्चन आते हैं आपके ईएसआईसी में रीजनिंग के आते हैं 25 क्वेश्चन। गाइज अगर आपने डेफिनेटली मेरी क्लासेस ली तो मैं गारंटी देता हूँ 25 के 25 नंबर आपके यहाँ से, 25 दूनी 50, 25 क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, यहाँ से 50 की गारंटी मैं देता हूँ गाइज। बट आपको ब्लाइंडली मुझे फॉलो करना होगा गाइज, ठीक है। मैं ये नहीं कहता मुझे फॉलो करो, किसी भी टीचर को फॉलो करो तो उसको ब्लाइंडली फॉलो करा तभी आपको उसका रिजल्ट मिलेगा गाइज, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मेरा कि हाउ मेनी ओड नंबर्स आर इमीडिएटली फॉलो। सबसे पहले मुझे क्या करना है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं लू तो सबसे पहले ऑड नंबर लेने, ठीक है जी। इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल, कि मतलब उसके इमीडिएटली फॉलोड क्या होना चाहिए, सिंबल होना चाहिए। बट नॉट इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ लेटर, मतलब उसके पीछे लेटर नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले काम करो नंबर ढूंढो आप, ये नंबर, ये भी नंबर, 5 हो गया, 9 मेरा नंबर हो गया, फिर 6, फिर आपका 7, फिर आपका 1, फिर 4, फिर 3, फिर आपका 2। अब ये इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल होना चाहिए, तो इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल हो रहा है बट इसके पीछे लेटर आ रहा है, तो ये मेरा नंबर नहीं होगा। सेकंड देखो ये आपका इसके आगे अल्फा, ये फॉलोड बाय सिंबल है कि नहीं है ना, तो ये भी कैंसिल हो गया। सेकंड देखो ये 9 आपका सिंबल तो हो रहा है बट उसके पीछे क्या आ रहा है, आपका एक लेटर आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऐसे कैंसिल हो गया। फिर देखो 6 के आपके आगे सिंबल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो लेटर आ रहा है, भी कैंसिल हो गया। डॉलर डॉलर अब देखो ये 7 के आगे क्या आ रहा है, आपका W आ रहा है, तो W आपका सिंबल थोड़ी है, कैंसिल हो गया। फिर आता है 1 के आगे आपका क्या आ रहा है, ये N आ रहा है, जो अल्फाबेट है, ये भी कैंसिल हो गया। फिर आपका आता है 4 के आगे क्या आपका सिंबल तो है बट 4 के पीछे क्या आपका L है, जो आपका अल्फाबेट है, इसको भी कैंसिल कर दो। फिर आता 3 के आगे क्या आपका सिंबल है और पीछे भी क्या सिंबल है, तो मतलब कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई, एक पेयर बनेगा ये वाला। फिर आते 2 के आगे सिंबल तो है बट उसके पीछे क्या आपका लेटर आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा एक पेयर बनेगा जो मिल रहा है मेरा ऑप्शन नंबर बी में, तो यहाँ से मेरा क्या हो गया, बी क्या करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो यहाँ से आपके 4 मार्क्स तो आ गए अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की, ठीक है, पक्के हो गए। अब ये आया आपका एक सिटिंग अरेंजमेंट का आया क्वेश्चन आपके पास, ठीक है। तो चलिए ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, चलिए अब देखो इसने क्या बोला है कि हमारे पास 8 पीपल है ए से लेके एच तक, सिट इन अ रो, मतलब रो में बैठे हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये मेरे पर्सन बैठे हैं बट नॉट इन अ ऑर्डर, ठीक है जी। ऑल फेस द टूवर्ड्स द नॉर्थ, सबका फेस क्या है मेरा, नॉर्थ की तरफ है। जब ये मेरा फेस नॉर्थ की तरफ होता है ना गाइस, तो मैंने आपको बताया बेसिक कंसेप्ट में कि देखो जब भी हमारा फेस क्या हो नॉर्थ की तरफ, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड होगा और ये मेरा क्या होगा, राइट हैंड होगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट हैंड हो जाएगा। ये बेसिक कंसेप्ट है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए अब देखते हैं मेरे पास इन्फॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है। इसने क्या बोला कि 2 पीपल सिट बिटवीन ए एंड एच, अब ए और एच के बीच में 2 पर्सन है। अब कन्फर्म थोड़ी कि मेरा एच लेफ्ट में आएगा ए के या राइट में आएगा, ठीक है जी, इसको बना लिया। चलिए उसके बाद बोला कि बी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एच, एच के सेकेंड राइट में कौन आएगा मेरा, वो आएगा बी, ठीक है जी। आगे बोला है कि ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन बी एंड जी, बी और जी के बीच में कितने पर्सन है आपके, 1 पर्सन है। हु, अब हु आया आपके जी के लिए, हु सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, मतलब किसी रो पे बैठा वो एंड पे। अब देखो यहां से मैं क्या करता हूँ, दोनों कंसेप्ट आपको बताता हूँ। देखो यहां से इसको इन्फॉर्मेशन को यहां से, चलो मैं चेक करके हटा ही देता हूँ, एक काम करता हूँ इन दोनों को सबको यहां से हटा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, दोनों केस आपको बताता हूँ, ठीक है। एक बार इस राइट हैंड पे ले लूंगा मैं, एक बार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सबका फेस क्या है, नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। चलिए ये मेरा क्या हो गया, सबका फेस नॉर्थ की तरफ हो गया। चलिए अब देखो उसने क्या बोला था, देखो 2 पीपल ए और एच, एच के बीच में क्या मेरे 2 पीपल है,
है, बट ये कंफर्म नहीं कि राइट में या लेफ्ट में, ठीक है जी। एच के सेकंड राइट में मेरा कौन था? बी था, ठीक है जी। वन पर्सन सिट बिटवीन बी एंड जी, बी और जी के बीच में मेरे एक पर्सन है, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, उसने बोला जी जो आपका किसी एंड पे बैठा है, ये मेरा फर्स्ट केस हो जाएगा, ठीक है, और ये मेरा सेकंड केस। जी मेरा एक बार लेफ्ट एंड पे ले लेता हूँ मैं, और एक बार मैं क्या करता हूँ आपका राइट एंड पे ले लूँ, ठीक है। अब ये ले लिया, अब उसने क्या बोला था, बी और जी के बीच में एक पर्सन है, तो देखो इधर पॉसिबल है क्या राइट में? नहीं ना, तो फर्स्ट केस देखो, जी के लेफ्ट में पॉसिबल नहीं है ना, तो बी की जगह कन्फर्म होगी ये वाली, और इस केस में ये हो जाएगी मेरी बी, हो गया कन्फर्म। चलिए अब उसके बाद उसने बोला था कि बी है ना वो एच के सेकंड राइट में। अब देखो राइट कैसे पॉसिबल है एच के, इधर ही पॉसिबल है ना, तो इधर तो पॉसिबल ही नहीं है, फर्स्ट केस देखो नहीं पॉसिबल है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा एच, इसके सेकंड राइट में हो गया, फर्स्ट केस क्या हो गया मेरे यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, ठीक है। चलिए इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ, देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। आपको पता चल गया होगा मेरा एच कहाँ पे आएगा, जी कहाँ पे आएगा, ठीक है। चलिए ये क्या हो जाएगा मेरा जी, और ये हो जाएगा मेरा बी, और ये हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, हाँ एच। अब उसने क्या बोला था, एच और आपके ए के बीच में दो पर्सन है। अब देखो उसके लेफ्ट में पॉसिबल है और इसके राइट में भी पॉसिबल है। अब हम देखते हैं आगे, आगे बोला कि वन पर्सन सिट बिटवीन डी और ए, डी और ए के बीच में आपका एक पर्सन है। वन पर्सन सिट बिटवीन ई एंड डी, ई और डी के बीच में भी एक है मेरा, ठीक है जी। एफ सिट इमीडिएट राइट ऑफ सी, सी के इमीडिएट राइट में कौन आएगा, मेरा एफ आएगा। तो गाइस इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे काम बढ़िया होता है, सभी इंफॉर्मेशन को लिख लो, उसके बाद नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज को क्या करो, चेक करो, ठीक है जी। अब देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको चेक करता हूँ, ए को मैं लेता हूँ लेफ्ट साइड में, ए के लेफ्ट साइड में आएगा जब ये आ जाएगा मेरा ए आप, ठीक है जी। ए और डी के बीच में कितने पर्सन है आपके, एक है, तो डी क्या हो गया मेरा, ये कन्फर्म हो गया, ठीक है जी। अब उसने आके बोला है कि ई और डी के बीच में भी एक है, ई और डी के बीच में भी एक हो गया। बट अगर आप देखो लास्ट वाले इन्फॉर्म, अब ये उसने बोला है कि जो सी के इमीडिएट राइट में एफ होना चाहिए, यहाँ पे तो जगह ही पॉसिबल नहीं है इमीडिएट राइट वाली, तो मुझे पता चल गया कि जो ए की जगह है ना वो यहाँ से कन्फर्म क्या हो जाएगी, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखो ए क्या होगा मेरा, एच के राइट में आएगा, ठीक है जी। और ए और डी के बीच में मेरा एक पर्सन है, ये हो गया मेरा कन्फर्म, और डी और ई के बीच में मेरा क्या एक पर्सन है, तो ये इधर आ गया मेरा, और सी के इमीडिएट राइट मेरा कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो यहाँ से मेरी क्या हो गई, पजल एकदम कन्फर्म बन गई गाइस। तो इसलिए मैं बोलता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन को लिख लो और उसके बाद उसको क्या करो, चेक करो। और गाइस देखो प्री लेवल का जो ये होता है ना प्री एग्जाम, इसमें क्या होता है, अगर आपकी स्पीड तो है ही प्लस आपकी क्या है एक्यूरेसी है, तो डेफिनेटली आप सिलेक्शन लोगे गाइस। गाइस आपने आईबीपीएस पीओ का एग्जाम का रिजल्ट देखा होगा, जिस बच्चों ने 50 क्वेश्चन भी अगर एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किया उनका सिलेक्शन हुआ है। बट अगर आपने देखा हो क्लर्क लेवल में 90-90% क्वेश्चन करके आ रहे हैं बच्चे, फिर भी उनकी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उनकी एक्यूरेसी खराब थी गाइस। तो इसलिए बोलता हूँ स्पीड के साथ साथ आप एक्यूरेसी का भी फोकस का ध्यान रखा करो गाइस। अगर आपकी एक्यूरेसी नहीं है तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करने के चक्कर में आप गलत कर जाओगे। तो इसलिए बोलता हूँ पेशेंस के साथ करो बट एक्यूरेसी के साथ करो। अब इसके देखो 5 क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे गाइस, ठीक है। अब देखो ये हमारा एक आया है वर्ड एक्स्ट्रोवर्ड, क्वेश्चन दे रखा है, इसमें बोला है आपको एक वर्ड दे रखा है, ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूँ एक्स्ट्रोवर्ड, ठीक है जी। अब इसमें क्या होता है, विच हैज मैनी लेटर्स इन डायरेक्शन आइदर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इन द सेम एज द इंग्लिश अल्फाबेटिक सीरीज। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ध्यान रखो आप, जैसे ए के बाद क्या था बी, ए के बाद सी, सी के बाद डी, ये क्या होता है कन्फर्म ऑर्डर होता है ना, वैसे इसमें होता है, इसमें भी आपको चेक करना होता है। जैसे मैं क्या करता हूँ बारी बारी चेक करता हूँ, देखो ए के बाद एफ जी एच आई जे के एल एम नहीं है ना, तो ये नहीं होगा मेरा। अब एक्स एक्स वाई जेड कहीं है क्या, नहीं होगा, तो अब देखो टी टी यू बी दोनों तरफ देखना है, बैकवर्ड भी देखना है फॉरवर्ड भी देखना है, टी यू बी डब्ल्यू नहीं है पॉसिबल आगे, आर एस टी यू नहीं है, आर एस टी यू वी नहीं है पॉसिबल, अब देखो ओ पी क्यू आर एस नहीं है ना, ओ पी क्यू आर, देखो ये क्या हो गया कन्फर्म ऑर्डर हो गया ना,
OPQRS नहीं है जी। अब देखो V, V, अब देखो V के बाद क्या था, W, X नहीं है, तो अब देखो यहाँ भी देखो नहीं होगा। अब देखो E, E, F, G, H, I, J नहीं है। अब देखो R, R, S, T, U, P, W, X, तो ये क्या हो गया, मेरा ऑर्डर कंफर्म हो गया। अब देखो T, T, U, V, W, X, Y, Z, मतलब दो मेरे ऐसे वर्ड होंगे जिनका पेयर एकदम कंफर्म है, तो दो आंसर मेरे मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में, तो ये मेरे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखो आपको एक कोडिंग का क्वेश्चन दे रखा है, ये इन्होंने क्या करा, एक सुजुकी वर्ड है, क्या है मेरा सुजुकी वर्ड को इन्होंने कैसे लिखा है, इसको ऐसे कोड डिकोड कर दिया। देखो इसकी कोडिंग कैसे करी, ऐसे, ठीक है जी। उसके बाद अब इन्होंने बोला यामा को कैसे लिख सकते हो आप, तो अब मैं लिखता हूँ यहाँ का यामा, ये हो गया मेरा यामा, ठीक है। इसको कैसे लिखोगे आप, देखो इन्होंने क्या करा, स्टार्टिंग के देखो तीन, और इधर देखो स्टार्टिंग, जेड को इन्होंने यहाँ पे लेके आ गए, उसके बाद एस को ऐसे और यू को ऐसे, तो मैं क्या करूँगा एम को लेके आ जाऊंगा इधर, और फिर मेरा वाई, देन मेरा ए, ठीक है जी। उसके बाद देखो इस लास्ट वाले पेयर में आई को लेके आ गए और बाकी को पीछे लेके, पूरे साथ ए मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और देन ए और एच, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये मिल रहा है मुझे ऑप्शन नंबर, देखो देखो ये स्टार्टिंग का, देखो ये नहीं होगा क्योंकि ट्रिपल ए आ रहा है, तो ये नहीं होगा। फिर आपका देखो ये वाला ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंटेंट टीम ने सारे के सारे ऑप्शन बी में दिए गाइस, कोई बात नहीं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 मेरा आया, देखो ये आया आपका इनइक्वालिटी का। अब देखो गाइस आपको मैंने ये बताया भी है, आप क्या करो ये ग्रेटर देन लेस देन आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू के झमेले में पड़ो ही मत। आप क्या करो हमेशा एक दिन को खुले से बंद की तरफ जाना, मुझे कैसे खुले से बंद की तरफ अगर मैं जा रहा हूँ तो मेरे डेफिनेटली आंसर हो जाएगा। और एक चीज, आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन में से हमेशा प्रायोरिटी किसको दोगे आप, ग्रेटर देन को दोगे। चलिए अब पहला कह रहा है कि मुझे ए से ई की तरफ जाना है, तो देखो ए से मैं टी जा सकता हूँ, जा तो सकता हूँ, बट ये अभी देखो उसके बाद टी से मैं ई भी जा सकता हूँ, बट यहाँ पे क्या रहा है, आइदर ग्रेटर देन भी हो रहा है आपका, इक्वल टू भी हो रहा है, मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, ग्रेटर देन चाहिए, तो मेरा पहला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सेकंड कह रहा है कि मुझे सी से एस की तरफ जाना है, अब देखो सी से मैं ए जा सकता हूँ, ए से मैं टी जा सकता हूँ, टी इक्वल टू क्या है मेरे ई के, मतलब टी से ई भी जा सकता हूँ, और ई से मैं एस जा सकता हूँ, तो मेरा सेकंड क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन होगा ओनली सेकंड कॉन्क्लूजन इज परफेक्ट होगा, ठीक है ये आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, 13 कह रहा है कि मुझे एन से मुझे एच की तरफ जाना है गाइस। अब देखो गाइस बच्चे क्या करते हैं, ये देखते आइदर का केस लगाते हैं, बट मैंने ये बोला इसको चेक कराओ करो बस, ठीक है। अब एन से मुझे एच की तरफ, एन से मैं यू जा सकता हूँ है ना, और यू से मैं क्या है एच की तरफ जा सकता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से मेरा पहला क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। और सेकंड क्या, इक्वल टू, तो इक्वल टू होगा नहीं यहाँ पे, देख लो गाइस है ना, नहीं होगा ना, ये तो ग्रेटर देन है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ओनली कॉन्क्लूजन फर्स्ट इज फॉल्स, ठीक है। सॉरी गाइस, देखो यहाँ से मेरे 13 नंबर फिक्स हो गए गाइस। अब वापस एक मेरा सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन आया है, इसमें क्या है, इन्होंने ये रो बेस ही आ गया गाइस, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन मिक्स हो गए, पहला भी रो का है, ये भी रो का हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इन्होंने 8% दे रखे हैं, 8% दे रहे सिटिंग इन अ रो इन विच फेसिंग नॉर्थ व्हाइल सम आर फेसिंग साउथ। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, आपको इन्होंने बोला है कुछ का फेस क्या है आपका नॉर्थ की तरफ होगा, कुछ का फेस मेरा साउथ की तरफ होगा, ठीक है। अब देखो जब भी मेरा नॉर्थ फेस हो ना, तो ये मेरा लेफ्ट एंड होगा और ये मेरा क्या होगा, राइट एंड होगा, और जब भी बात करें साउथ फेस की, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा राइट एंड हो जाएगा और ये मेरा लेफ्ट एंड हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, मेरे पास कितने परसेंट है, 8% है, तो सबसे पहले काम करता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये मेरे परसेंट बन गए, ठीक है जी। अब मैं देखता हूँ इन्फॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है। अब इसने बोला ओनली 3% सिट लेफ्ट ऑफ आर, यहां से आपकी दो पॉसिबिलिटीज बनती है, तो मैं क्या करता हूँ दोनों केस आपको समझाता हूँ, दोनों पॉसिबिलिटी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब देखो आर के लेफ्ट में कैसे पॉसिबल, या तो उसका फेस नॉर्थ हो तब उसके लेफ्ट में 3 पॉसिबल है, या उसका फेस साउथ हो तब इसकी तरफ में पॉसिबल है,
ये मेरा केस कौन सा हो जाएगा, ये मेरा केस फर्स्ट हो जाएगा और ये केस मेरा क्या हो जाएगा सेकंड, ठीक है जी। अब देखो जब मैं फेस क्या करता हूँ उसका नॉर्थ की तरफ, तो ये मेरा आर हो जाएगा, इसके लेफ्ट में तीन हो गए ना, एक दो तीन, सेम सेकंड केस देखो, एक दो तीन कैसे पॉसिबल होंगे, जब मेरा आर का फेस क्या हो साउथ की तरफ हो, ठीक है ना, तभी मेरा पॉसिबल है कि उसकी तरफ तीन होंगे, ठीक है जी। अगली कंडीशन कहता है कि 3% सिट बिटवीन आर एंड क्यू। अब देखो आर और क्यू के बीच में 3% होने चाहिए, इसके लेफ्ट में एक दो तीन तो और है बट क्यू की जगह पॉसिबल नहीं है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा राइट हैंड पे आ जाएगा, ठीक है। सेम सेकंड गैस देखो, इधर पॉसिबल है क्या, नहीं है ना, तो एक दो तीन और ये मेरे क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा, तो ये मेरी क्या सारी डेफिनेट इंफॉर्मेशन है, इसलिए आपको फायदा होगा। चलिए उसके बाद बोला बी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, मतलब क्यू के सेकेंड लेफ्ट में कौन होगा, मेरा बी होगा। तो देखो इसके फेस कैसे होगा, नॉर्थ होगा तभी तो लेफ्ट में होगा, अगर साउथ होगा तो पॉसिबल नहीं है, तो ये लेफ्ट कैसे हो जाएगा, ये जब उसका फेस क्या होगा नॉर्थ की तरफ। सेकंड केस देखो, इसके साउथ की डायरेक्शन लेनी पड़ेगी तभी लेफ्ट पॉसिबल है, तो ये मेरा क्या हो जाएगी बी की जगह, ठीक है जी। अब आगे बोला कि मोर देन टू पीपल सिट बिटवीन बी एंड एस, अब बी और एस के बीच में कम से कम मोर देन दो, मतलब कम से कम तीन बैठेंगे, चार भी बैठ सकते हैं, ठीक है, और एस के बीच में, ठीक है जी, ये हो गया मेरा, इसको हटा देंगे भी। उसके बाद बोला कि डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठेगा, मेरा डी बैठेगा। अब मैं क्या करता हूँ चेक करता हूँ गाइस, देखो ये वाली बी, ये रहा, एक दो तीन तो होनी चाहिए, चार भी पॉसिबल है। अब देखो अब एक दो तीन लेते हो, अब आप यहाँ पे एस लेते हो सपोज, अब एस के सेकंड लेफ्ट में डी होना चाहिए, तो इसका पॉसिबल है क्या, नहीं है ना, तो मुझे पता चल गया कि एस की मेरी जगह कंफर्म होगी ये वाली, ठीक है जी। सेम सेकंड केस, एक दो तीन, अगर आप एस को यहाँ पे लेते हो तो उसके सेकंड लेफ्ट में पॉसिबल नहीं है, तो कंफर्म मुझे पता चल गया ये किसकी जगह हो जाएगी, मेरी एस की जगह हो जाएगी, ठीक है जी। और एस के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है, डी, तो एस के सेकंड लेफ्ट में डी कैसे आएगा, जब इसका फेस क्या होगा मेरा साउथ, तो ये किसकी जगह हो जाएगी, मेरी डी की जगह हो जाएगी। और इसमें कैसे लेफ्ट में आएगा, जब इसका फेस नॉर्थ की तरफ हो तभी मेरा क्या हो जाएगा डी आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी। ये हो गया मेरा, तो इनको मैं क्या करता हूँ यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, ये मेरे हो चुके, तो इनको मैं क्या करता हूँ यहाँ से हटा देता हूँ गाइस, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, आगे क्या बोला, नाइबर्स ऑफ आर फेसिंग साउथ, मतलब आर के जो पड़ोसी है ना, दोनों के दोनों दोनों पड़ोसी, उनका फेस क्या होगा मेरा साउथ की तरफ, तो ये मेरा आर है, तो इसका फेस क्या हो जाएगा मेरा साउथ, और ये भी मेरा क्या हो जाएगा साउथ। सेकंड केस में ये भी साउथ और ये भी साउथ, ठीक है जी। आगे क्या बोला कि नाइबर्स ऑफ पी फेस सेम डायरेक्शन, मतलब जो पी के पड़ोसी है ना उनका सेम डायरेक्शन होगा, पी के जो पड़ोसी होंगे ना दोनों के दोनों, उनका फेस क्या होगा मेरा सेम फेस हो जाएगा, ठीक है जी। ये मैंने लिख दिया, ये हमारे हो चुकी है, ठीक है जी। आगे बोला कि सी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, ए के सेकेंड राइट में कौन बैठेगा, मेरा सी बैठेगा। अब देखो यहाँ पॉसिबल है ना, अगर आप यहाँ पे लेते हो तो इसके राइट में क्या हो रहा है डी आ रहा है, यहाँ तो सी पॉसिबल नहीं है, तो मुझे पता चल गया ये किसकी जगह हो जाएगी कन्फर्म ए की, और इसका जब राइट कैसे पॉसिबल है, जब उसका फेस साउथ हो, और ये मेरा क्या हो जाएगा सी, और बचा हुआ पर्सन क्या हो जाएगा मेरा पी, ठीक है जी। सेम सेकंड केस देखो, इधर पॉसिबल है, अब देखो इधर पॉसिबल है, इसका फेस अगर आप राइट लेते हो तब भी पॉसिबल है, और अब देखो अब मुझे ये तो कन्फर्म पता चल गया ए और सी में से कन्फर्म है मेरा एक यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब मेरा बचा हुआ पर्सन क्या है पी, अब उसने क्या बोला था कि पी की जो पड़ोसी है ना दोनों उनका सेम फेस होना चाहिए, पी ये रहा, इनके दोनों पड़ोसी क्या है साउथ है, बट आप सेकंड केस देखो इसका एक साउथ है और एक नॉर्थ है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा यहाँ से सेकंड केस क्या हो जाएगा मेरा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा मेरा यहाँ सेकंड केस क्या हो जाएगा मेरा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया, इसको हटा देते हैं यहाँ से, चलिए ये हो गया, सारी इंफॉर्मेशन हो चुकी है, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं गाइस। चलिए अब आगे देखिए, आगे बोला ए एंड पी फेस अपोजिट डायरेक्शन, ए और पी का अपोजिट डायरेक्शन, एक अगर साउथ है तो दूसरा नॉर्थ होगा, अगर दूसरा नॉर्थ होगा तो पहला साउथ होगा, तो देखो ए मेरा क्या साउथ की तरफ है, तो पी मेरा क्या हो जाएगा नॉर्थ की तरफ हो जाएगा। सिमिलरली पी एंड क्यू फेस अपोजिट डायरेक्शन, पी और क्यू का भी अपोजिट डायरेक्शन होगा, क्यू मेरा ये देखो ये रहा, इसका नॉर्थ है तो क्यू का मेरा क्या हो जाएगा साउथ हो जाएगा। तो यहाँ से यही है क्या हो गया, हमारी सेटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई, इसके भी 5 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए यहाँ से, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट,
अब नेक्स्ट आया आपका स्लॉग्स। अब देखो अब यहां तक मेरे 18 नंबर तो कंफर्म आ चुके गाइस, ठीक है। अब आते हैं हम स्लॉग। देखो पहला स्टेटमेंट क्या बोला उसने कि सम एप्पल आर फ्रूट्स, मतलब एप्पल का कुछ पार्ट मेरे किस में जा रहा है, एप्पल का कुछ पार्ट मेरा फ्रूट में जा रहा है, ठीक है जी। आगे बोला कि सम फ्रूट आर ऑरेंज, और सम फ्रूट मतलब जो फ्रूट का कुछ पार्ट है ना वो किस में जा रहा है, मेरा ऑरेंजेस में जा रहा है, ठीक है जी। यहां से हो गया, अब करता हूं मैं नेक्स्ट का, ठीक है। अब उसने बोला पहला कॉन्क्लूजन, उसने बोला कि नो ऑरेंज इज एप्पल, एप्पल का कोई मतलब नो ऑरेंज इज एप्पल, मतलब ऑरेंज का कोई भी पार्ट आपका एप्पल नहीं होना चाहिए, बट उसने ऐसा कुछ बोला ही नहीं था। रीजन किसमें दिया था, फ्रूट और ऑरेंज में, तो ये क्या हो जाएगा मेरा यहाँ से डाउटफुल हो जाएगा, ठीक है जी। आगे बोला कि सम ऑरेंजेस आर एप्पल, अब देखो उसने जब इस ये नहीं होगा तो हमारा ये भी कैसे पॉसिबल है, नहीं है ना, क्योंकि रिलेशन किसमें दिया था आपका, फ्रूट का ऑरेंज में जा रहा पार्ट और एप्पल का फ्रूट में जा रहा है, तो हम ये थोड़ी बोल सकते हैं कि ऑरेंज का पार्ट एप्पल में होगा, ये भी मेरे क्या हो जाएगा डाउटफुल हो जाएगा। और जब भी आपके दो स्टेटमेंट डाउटफुल हो तो आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि दोनों एलिमेंट सेम है क्या, ये ऑरेंज ये ऑरेंज, ये एप्पल है ये भी एप्पल है, दोनों एलिमेंट सेम है दोनों में, और आपके दोनों डाउटफुल है। अब देखना जी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये आपका नेगेटिव हो गया ये आपका पॉजिटिव हो गया, तो मेरे दिमाग में आंसर क्या आएगा, आइदर कॉन्क्लूजन वन और सेकंड इज फॉलोस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि स्टेटमेंट दे रखा पहला, ओनली फ्यू काइट्स आर जैकेट आर जेट्स, मतलब काइट्स का कुछ पार्ट ही आपका किस में जाएगा, जेट्स में जाएगा, तो काइट्स का कुछ ही पार्ट मेरा क्या हो जाएगा, ऐसा छोटा सा पार्ट में मान के चलो किस में जाएगा, मेरा जेट्स में जाएगा, ठीक है जी। सम ड्रोन इज काइट, सम ड्रोन मतलब ड्रोन का कुछ पार्ट किस में जाएगा, मेरा काइट में जाएगा, ठीक है जी। ये मेरे स्टेटमेंट हो गए कंप्लीट। अब मैं देखता हूं मेरे कॉन्क्लूजन पहला क्या कहता है, पहला कहता है नो ड्रोन इज जेट, ड्रोन कोई भी किस में नहीं होना चाहिए, जेट में नहीं होना चाहिए, ये मेरा क्या हो गया डाउटफुल हो गया, ठीक है जी। सम ड्रोन इज जेट, सम ड्रोन भी जेट नहीं होगा, ये मेरे क्या है डाउटफुल हो गया, ठीक है गाइस। अब देखो दोनों, अच्छा ये दोनों सेम ही हो गए गाइस, है ना। चलिए तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा आइदर वन और टू, एक बार चेक तो कर लूं मैं ना, कोई गड़बड़ तो नहीं है। अच्छा ये यहाँ पे ना फ्रूट होना चाहिए था गाइस, तो ये चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये मेरे क्या हो जाएगा आइदर वन और टू, क्योंकि ड्रोन का पार्ट किस में जा रहा है, मेरा काइट में होना चाहिए, जेट का तो मेरे को रिलेशन ही नहीं दे रखा था, ठीक है। तो चलिए यहाँ से आपके स्लॉग के भी क्वेश्चन आ गए, यहाँ से मेरे 20 नंबर तो कंफर्म हो गए। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर लास्ट, अब इसमें आपको पजल आई है जो फ्लोर बेस्ड पजल है, ठीक है ये हिंदी के लिए। चलिए अब देखो इसने क्या बोला, हमारे पास कितने हैं, 8 पर्सन है और 8 ही फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर का नंबर 1 है और टॉप फ्लोर का आपका 8 है। तो देखो 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1 ये मेरे हो गए फ्लोर, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ एक बार टेबल बना लेता हूँ पूरी। चलिए अब देखो आपको जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है सबसे पहला काम क्या करो उसको लिख लो, और मैंने यही बोला आपको हमेशा क्या करो उन्हीं इन्फॉर्मेशन को पकड़ो जो आपकी क्या है डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है। अब डेफिनेट के लिए हम चेक करते हैं। देखो इसने क्या बोला कि बी लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर अबाव फोर्थ, मतलब क्या जो फोर्थ फ्लोर है ना उसके ऊपर कहीं आपका बी रहेगा, बट बी रहेगा आपका इवन नंबर फ्लोर पे। तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आती है कि बी के ऊपर इवन नंबर कैसे होंगे, कि आपके मेरे यहाँ से बनेंगे दो केस, क्या बनेंगे, ये मेरा फर्स्ट केस बनेगा और ये मेरा क्या हो जाएगा सेकंड केस बनेगा। तो देखो फोर्थ के ऊपर आपका इवन नंबर एक तो 6 है एक आपका 8 है, तो बी एक बार मेरा क्या हो जाएगा 6th फ्लोर पे आ जाएगा और एक बार मेरा 8th फ्लोर पे आ जाएगा, ठीक है जी। यहां से इस इंफॉर्मेशन को हम हटा देते हैं। चलिए अब उसके आगे देखो, उसके आगे बोला कि 1 पर्सन लिव्स बिटवीन बी एंड एफ, बी और एफ के बीच में 1 पर्सन रहेगा, क्या होगा 1 रहेगा, ठीक है जी। बी और एफ के बीच में मेरा 1 पर्सन रहेगा, बट कंफर्म नहीं कि बी मेरा ऊपर आएगा एफ के या नीचे आएगा, ठीक है जी। आगे बोला कि जी लिव ऑन ऑड नंबर फ्लोर, अब जी मेरा क्या है आपका ऑड पे रहेगा, ऑड फ्लोर पे आएगा। एंड देर आर 2 पर्सन लिव बिटवीन जी एंड एफ, जी और एफ के बीच में मेरे 2 पर्सन रहेंगे। अब ये कंफर्म नहीं कि मेरा जी आपका ऊपर आएगा एफ के या नीचे आएगा, ठीक है जी। आगे देखो बी लिव्स अबाव एफ, ये मेरा कंफर्म हो गया कि बी ऊपर आएगा, तो बी जब देखो बी ऊपर है ना तो
एफ मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, और सेकंड केस में मेरा क्या हो जाएगा एफ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी। तो इस इंफॉर्मेशन को यहां से हटा देते हैं, ठीक है जी। अब देखो आगे, अब आगे देखो, जी डज नॉट लिव ऑन फ्लोर नंबर वन, कि मतलब फर्स्ट फ्लोर पे तो मेरा कंफर्म हो गया कि जी नहीं आए। अब मैं चेक करता हूं, देखो जी मेरा थर्ड फ्लोर पे आ सकता है, जी मेरा फिफ्थ फ्लोर पे भी आ सकता है, जी मेरा सेवंथ फ्लोर पे भी आ सकता है, ठीक है जी। आगे बोला कि ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन जी और ए, जी और ए के बीच में मेरा एक पर्सन रहेगा, ठीक है जी। अब कंफर्म थोड़ी कि मेरा ऊपर आएगा या नीचे रहेगा। आगे बोला कि डी लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर अबाव जी, जी के ऊपर आपका कौन रहेगा, डी रहेगा, बट कहां रहेगा वो इवन नंबर फ्लोर पे रहेगा, ठीक है जी। ओके जी, ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन डी और ई, डी और ई के बीच में मेरा एक पर्सन रहेगा, ठीक है जी। अब कंफर्म थोड़ी कि मेरा ऊपर आएगा या नीचे आएगा, ठीक है जी। आगे बोला कि सी लिव समवेयर अबाव एच, एच के कहीं ऊपर आपका कौन रहेगा, सी रहेगा, ठीक है जी। ई डज नॉट लिव ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर एंड लिव अबाव ए, मतलब ई मेरे क्या हो जाएगा, इसके यहाँ पे नहीं आएगा, बट ये क्या है, ए के ऊपर रहेगा, ए के ऊपर रहेगा, ठीक है जी। एच लिव्स ऑन ओड नंबर फ्लोर अबाव थर्ड फ्लोर, ठीक है जी, हाँ जी, मतलब थर्ड फ्लोर के ऊपर कहीं आपका कौन रहेगा, एच ऑड नंबर में, मतलब एच आपका ऑड फ्लोर पे आएगा, ठीक है जी। तो ये मेरी क्या होगी, सारी बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने लिख ली यहाँ से। अब मैं क्या करता हूँ, चेक करता हूँ, ठीक है। देखो जी मेरा ऑड पे, अगर आप जी यहाँ पे लेते हो, चलो मैं चेक करके बताता हूँ, एक पर तो आएगा नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जी मेरा यहाँ पे ले लेता हूँ। अब देखो जी और एफ के बीच में दो पर्सन होने चाहिए, अच्छा रुको गाइस, ये हो सकता है ना हमारे यहाँ से, चलिए चलिए ये एफ हमारे पास ऑलरेडी है, चलिए इसको यहाँ से हटा देते गाइस। चलिए अब देखो, एक दो जी तो पहले मना कर दिया, फर्स्ट फ्लोर जाएगा, मतलब एक दो ये मेरी किसकी जगह हो जाएगी, कन्फर्म जी की, ये ना हमारे पास देखो ये वाला, इस केस में एक दो ये क्या हो जाएगा मेरा जी हो गया, ठीक है जी। जी और ए के बीच में एक पर्सन है, तो देखो फर्स्ट केस ऊपर पॉसिबल है क्या, नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा मेरा ए। सेकंड केस में देखो ए यहाँ भी पॉसिबल है, ए मेरा यहाँ भी पॉसिबल है, ठीक है जी। चलिए यहाँ से इसको हटा देते हैं, ये हमारी हो चुकी है, तो इसको हटा देते हैं गाइस, ठीक है। तो जी हमारा हो चुका है, ठीक है। अब देखो आगे, आगे बोला है कि जी के ऊपर आपका डी रहेगा, अब जी के ऊपर डी आपका ये तो कन्फर्म हो गया, और ईवन पे भी है। चलिए सेकंड केस में देखो, ईवन आपका एक ही बचता है डी, ये वाला फोर्थ पे, तो डी मेरा कन्फर्म हो गया ए पे आ गया, ये हो गया हमारे। और डी और ई के बीच में एक पर्सन है, अब देखो यहाँ पे पॉसिबल है क्या, नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा मेरा फर्स्ट केस यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको हटा देते हैं, फर्स्ट केस क्या हो गया मेरे यहाँ से कैंसिल हो गया, मेरा बचा कौन सा, सेकंड केस से मेरा क्या आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा, नहीं हुआ, जी और ए के बीच में है, जी और ए के बीच में हमारा एक पर्सन है, ठीक है जी। अब ये हो चुका है ना, चलिए इसको, चलो डी और ई के बीच में एक पर्सन है आपका। अब देखो ऊपर पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है, तो मुझे पता चल गया यही कन्फर्म होगा, ई कन्फर्म हो गया मेरा यहाँ पे। अब देखो ये हो चुका है, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, चलिए ये हो गया, इसको हटा देते हैं, ई की आ गई और ये भी हो गया हमारा, इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। अब देखो आगे, अब देखो जी और ए के बीच में एक पर्सन है, और ई आपका ए के ऊपर रहेगा, तो ए मेरा कन्फर्म हो गया यहाँ पे आएगा, ठीक है जी। अब देखो आगे, आगे बोला है कि जो एच के ऊपर आपका सी रहेगा, तो एच मेरा क्या हो जाएगा, ये हो गया, और इसके ऊपर मेरा सी हो गया। तो यहाँ से ये आपकी पजल जो एकदम क्या हो गई, कंप्लीट हो गई गाइस। तो इसलिए बोलता हूँ स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी का भी ध्यान रखो, तो आपके जो हर प्रकार की पजल है ना गाइस, क्या हो जाएगी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी गाइस। ये हमारा मॉक नंबर, यह हमारा पहला मॉक था गाइस, ठीक है। कोशिश करूंगा डेली, वरना एक दिन दो दिन छोड़ के आपको मॉक मिल जाएगा, ठीक है। जब तक हम सिलेक्शन नहीं होता तब तक डेली मॉक करेंगे गाइस, और सिलेक्शन लेंगे इस बार, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगर आपने लगाया कुछ सीखा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है क्लास के आपको मिलते रहे गाइस। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गाइस।